तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी और इस जिम्मेदारी को निभाने के रास्ते में कोई नहीं आ सकता है, तुम भी नहीं। गो टू योर क्लासरूम। वकीलों को बात करने की बहुत आदत होती है ना, लेकिन तुम कैसे वकील हो? तुम बार बार वही बात बोलते आए हो। तुम भूल गए तुम्हारे घर, तुम भूल गए तुम्हारा घर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से आजाद कर चुकी हूँ। शायद तुम भूल रही हो मेरा, ये जिम्मेदारी देने वाली भी तुम नहीं थी और लेने वाली भी तुम नहीं हो। मुझे मैम ने सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। अरमान पहुंचेगा आबिरा के कॉलेज, देखेगा वो नहीं दे पा रही एग्जाम, पहुंचेगा आर्ट रूम में जहां आबिरा बना रही है पेंटिंग। आज मैं सिर्फ अच्छा पेपर नहीं लिखूंगी, बहुत अच्छा पेपर लिखूंगी और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी, क्योंकि मैं दंग आ चुकी हूं। किसी की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है किसी की जिम्मेदारी होना। इसलिए आज इस जिम्मेदारी के टैग से और मुझे उसके बोझ से दोनों से छुटकारा मिलता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पहुंचा आबिरा के पास। यहाँ आप देखेंगे आबिरा पेंटिंग बना रही है, बहुत रो रही है, सारा कलर उसके कपड़ों पे लग गया है। यहाँ अपने ही में बड़बड़ा रही है, अपने में ही बातें कर रही है। और आप देखेंगे अरमान दरवाजे के पास है, यहाँ आबिरा के पास जाता है, आबिरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी मम्मी का सपना, तुम्हारा करियर, तुम्हारा जॉब है और तुम्हें वो करना है, इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्चुअली ये सब इमेजिनरी है। जहां अरमान आता है अबिरा को समझाता है और अबिरा को अरमान की बात समझ में भी आती है, लेकिन यहां टूटे दिल के साथ क्या अबिरा फिर से अपना एग्जाम दे पाएगी?